हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मेरा नाम है नीलेश। आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल मंजारे। हम मैं तो कैसे आप लोग दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे। आज हमारे संपूर्ण भारत साइकिल यात्रा का कौन सा दिन है क्या ही बताएं, बस ये समझिए आखिरी है। और फिलहाल हम अपने गाँव में, गाँव से थोड़ा दूर आया हूँ। बहुत दिनों से कोशिश कर रहा था कि आप लोगों को बता दूँ, अपडेट दे दूँ कि मैं घर पहुँच चुका हूँ, मेरी यात्रा समाप्त हो गई है। और फिर मेरा भी मन हुआ अचानक से कि चलो ठीक है, रिकॉर्ड करते हैं, वीडियो बताते हैं। और लास्ट वीडियो जो आप लोगों ने मेरी देखी थी वो थी प्रयागराज की। मैं प्रयागराज में था उस टाइम पे, वहाँ की वीडियो थी वो। और अभी मैं पहुँच चुका हूँ घर। इस बीच में बहुत कुछ हुआ है। मैं घर आया था करीब 3 तारीख को। मेरी जो लास्ट वीडियो पब्लिश हुई थी वो हुई थी 1 तारीख को। तो बहुत लंबा गैप हुआ है, इस बीच में बहुत सारी चीज़ें हुई हैं जो बताने लायक हैं, वो कभी बाद में बताएंगे। फिलहाल तो यही है कि इस वीडियो को यहाँ पे एंड करते हैं। बहुत प्यारा एंडिंग है। और मैं घर पहुँचा, बहुत बहुत प्यार मिला लोगों से, और पूरी जर्नी बहुत सुंदर रही, बहुत अच्छे से ख़त्म हुई। और घर पे पहुँचने के बाद कह सकते हैं इस जर्नी की हैप्पी एंडिंग हुई है। तो मैं लकी हूँ कि एक बहुत प्यारी एंडिंग के साथ जो है मैंने इस जर्नी को ख़त्म किया है। और आप लोगों का प्यार बना रहा पूरी जर्नी में, आप लोगों ने साथ बनाए रखा, उसके लिए आप लोगों का आभारी भी हूँ, हमेशा रहूँगा। और हमारी जर्नी बहुत अच्छे से बीती है, इस चीज़ के लिए मैं बहुत खुशनसीब महसूस करता हूँ कभी कभी। कि आगे आप लोग जो है देखने वाले हैं कैसे मैं, जिस दिन मैं यहाँ पहुँचा था घर, कैसे मैं कहाँ से निकला, कहाँ पहुँचा, और कैसे जो है वेलकम हुआ यहाँ पे, बहुत धूम धड़के के साथ जो है घर पहुँचा था। तो वो चीज़ें आपको आगे देखने के लिए मिलेंगी वीडियोज में। फिलहाल मैं दिखाता हूँ जहाँ पे मैं हूँ, यहाँ का एनवायरनमेंट कैसा है, यहाँ की चारों तरफ की हरियाली कैसी है। फिलहाल ये थोड़ा बहुत हरियाली देख लीजिए, इसके बाद वीडियो को आगे कंटिन्यू करते हैं। और इसी के साथ हमारी जर्नी की हैप्पी एंडिंग हुई है। तो लव यू ऑल, अच्छा लगा आप लोगों का प्यार और साथ पाके। तो फिलहाल मैं अपना ये दिखाता हूँ हमारा एनवायरनमेंट अभी कैसा है। बहुत सही है, बहुत सुंदर लग रहा है। और फाइनली अब शुरू करते हैं हमारी, जिस दिन हम घर पहुंचे थे उस दिन की वीडियो को। तो देखिए और बताइएगा कैसा लगा वीडियो आपको। हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। मेरा नाम है नीलेश। आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल मंजारे। हम मैं तो कैसे आप लोग दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे। आज हमारे संपूर्ण भारत साइकिल यात्रा का 281वां दिन है। और फिलहाल हम हैं कौड़ीराम और गोरखपुर के बीच में। और आज हमारी राइड स्टार्ट हो गई है। बहुत कोहरा है, पीछे देखिए पूरा भर भर के कोहरा है चारों तरफ। और हाथों के ऊपर ये कोहरा जम गया है, पूरा बालों के ऊपर, हाथों के ऊपर, दिखाता हूँ मैं, इतना कोहरा जो है पूरा जम गया है फेस पे। और हम निकल गए हैं, हमने राइड स्टार्ट कर दी है आज। और गोरखपुर की दूरी करीब 15 किलोमीटर है यहाँ से, तो हम जा रहे हैं गोरखपुर। बस ये कोहरा थोड़ा कम हो जाए क्योंकि कुछ दिख ही नहीं रहा है सामने। और अभी हम निकले ही थे, करीब आधे किलोमीटर भी नहीं आए होंगे, यहाँ एक भैया जी की दुकान थी। बहुत सही नाश्ता कराया भैया जी ने, मज़ा आ गया खा के, और काफ़ी टेस्टी बनाया था। क्योंकि मेरी वीडियो में एक ग्लिच आ गया था, साउंड की दिक्कत हो गई थी, जो भी साउंड रिकॉर्ड हुआ था वो प्रॉपरली रिकॉर्ड नहीं हुआ है। तो मैं वेट कर रहा था किसी का, एक भैया जी ने बोला था मैं आऊँगा तो शायद ठीक कर दूँगा। पता नहीं क्या हो गया था, जिस दिन मैं घर पहुँचा उस दिन की जितनी वीडियो रिकॉर्ड हुई उसमें साउंड इतना गंदा रिकॉर्ड हुआ है 360 वाले कैमरे पर। और फिलहाल मेरे अंदर एक अलग तरह की एनर्जी थी जिसमें मैं साइकिलिंग करते हुए आपको दिख रहा हूँ, बहुत एनर्जी के साथ मैं साइकिलिंग कर रहा था। और एक मैंने ऐसा सडनली जो है बिना किसी को बताए मैं सडनली आ गया। तो आने के बाद चाचू भैया
कुछ लोग जो है आए मुझे लेने के लिए, वेलकम करने के लिए, और बड़ा प्यार मिला गोरखपुर में आने के बाद। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा मेरा, यहाँ तक कि DM सर ने भी जो है वेलकम किया मेरा, उन्होंने भी माला वगैरह पहनाया, और सब कुछ सडनली था, कुछ भी ऐसा प्लान नहीं था, मैंने बताया नहीं था कुछ भी, बस आ गया। और आप सबको पता है कि मैंने लास्ट वीडियो भी बनाई थी तो वो प्रयागराज की बनाई थी, उसके बाद किसी को पता नहीं था कि मैं कहाँ पहुँचा हूँ। तो बहुत, जैसा कि मैं सडनली आया था उसके हिसाब से मुझे बहुत प्यार मिला और मैं बहुत खुश हूँ। मेरी ये जर्नी बहुत अच्छे से ख़त्म हुई और इस जर्नी के बीच में मैंने बहुत सारी प्यारी प्यारी सी यादें बनाई हैं। मैंने पैसे तो नहीं कमाए, लोगों ने मुझसे बार बार पूछा, बहुत सारे लोग मिलते हैं, क्योंकि वो ऐसा नहीं कह सकता हूँ कि उनके इंटेंशंस बुरे हैं, वो मुझसे पूछते हैं कि भाई आपने कमाया क्या इतनी जर्नी में, आपने क्या गेन किया है। तो मैं उनसे ये कहना चाहता हूँ कि मैंने लोग कमाए हैं, मैंने रिश्ते कमाए हैं। 8 अरब की जनसंख्या में पैदा हुए हैं हम उस समय पैदा हुए हैं जब हमारी पृथ्वी की जनसंख्या करीब 8 अरब है, और उनमें से हम 100, 200, 500 लोगों को जानते हैं। तो मैंने वो क्वांटिटी बढ़ा के हो सकता है 1500 कर ली हो, आज मैं हो सकता है 1500 लोगों को बाई फेस बाई नेम जानता हूँ, और ये मैंने कमाया है। और वो लोग मेरे लिए एक समय पर अनजान थे और मैं अभी उनको जानता हूँ, वो मुझे जानते हैं, उन्होंने मुझे अपने घर का मेंबर समझा और उतना प्यार दिया जैसे वो घर के किसी सदस्य को करते हैं। अनजान कहीं महसूस ही नहीं हुआ, मैंने पूरा भारत घूमा और मुझे हर जगह पे लोगों ने एक घर के मेंबर के जैसा ट्रीट किया। स्पेशली मैं क्या ही बताऊँ, मैं तो हर जगह मुझे बहुत ही प्यार मिला है। और मैंने ये चीज़ नोटिस की, हम चाहे जितने भी अलग हों, हमारी भाषा अलग हो सकती है, हमारा कल्चर अलग हो सकता है, हमारा प्रदेश अलग है, लेकिन एक चीज़ जो हमें अंततः जोड़े रखती है वो है हमारा भारतीय होना। हम भारत के किसी कोने में चले जाएं, हम कन्याकुमारी में हों, हम कश्मीर में हों, हम गुजरात में हों, हम अरुणाचल में हों, हमें एक चीज़ जो है जोड़ के रखती है वो है हमारा भारतीय होना। और लोग बहुत प्राउड फील करते हैं इस चीज़ के ऊपर कि हम इंडिया से हैं, हम भारतीय हैं, और हमारे जैसा कल्चर, हमारे जैसा वेलकमिंग कल्चर शायद ही किसी जगह पे देखने के लिए मिलेगा। और हमारे गांव, हमारे चौरी चौरा क्षेत्र में हमारा एक प्यारा सा छोटा सा वेलकम हुआ, और इस वेलकम के साथ, इस प्यारे छोटे से वेलकम के साथ हमारी भारत यात्रा संपूर्ण हुई। और अंततः मैं ये कह सकता हूँ कि मैंने अपने साइकिल से पूरी भारत की यात्रा की है, पूरा भारत देखा है, और एक कहानी मैंने जो है तैयार कर ली है जो आने वाली जनरेशन को मैं सुना सकता हूँ कि मैंने साइकिल से पूरा भारत देखा है। और सच में बहुत अच्छा लगा मुझे देख के, बहुत अच्छा लगा मुझे घूम के। तो इस तरीके से जो है अब हमारी ये जर्नी ख़त्म होती है, और कभी फिर शुरू करेंगे कोई जर्नी, एक छोटी मोटी सी मिलेंगे फिर एक किसी जर्नी में। तब तक के लिए अस्थाई तौर पर आप लोगों को अलविदा कहता हूँ YouTube से और बाकी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से। और YouTube मैं अपना रखता हूँ ऐसे ही अपनी यादों को बचा के, संजो के रखने के लिए। आपको भी कभी इच्छा हो मेरी जर्नी देखने की तो आप मेरी जर्नी की पुरानी वीडियोस देखेंगे तो अच्छा लगेगा। इसी उम्मीद के साथ फाइनली आप सभी को बाय बोलता हूँ और मिलूंगा फिर कभी किसी अगली वीडियो में। तो तब तक के लिए बाय, लव यू ऑल, कीप लविंग, कीप सपोर्टिंग।